The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So दोस्तों, अगर आपको rheumatoid arthritis या rheumatic disease या किसी भी प्रकार की कोई और autoimmune disease है, जैसे कि SLE, myositis, scleroderma, vasculitis, inflammatory arthritis या फिर inflammatory bowel disease, ऐसी बहुत सारी conditions जो कि autoimmune disease के वजह से होती है, मतलब आप ही का immune system आप पे हावी हो गया है, उसके वजह से आपको बीमारी हो रही है, जैसा आपको आपके डॉक्टर ने समझाया होगा. अगर नहीं समझाया है तो हमारे autoimmune disease या rheumatoid arthritis by Dr.Education YouTube पे टाइप करके आप देख सकते हैं वीडियो को, डिटेल में समझ जाएंगे कि क्या बीमारी है, कैसी हो रही है. शॉर्ट में बताएं तो कश्मीर वाली हालत है जहां पुलिस वाले और आर्मी वाले ज़्यादा हावी हो जाते हैं, तो उस वजह से आपके नॉर्मल टिश्यूज़ को, नॉर्मल लोगों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ जाती है. इसमें ज़रूरी नहीं है कि ये हर इंडिया के हर हिस्से में हो, इसीलिए सेम वे ये rheumatoid arthritis भी कुछ जो या autoimmune disease भी शरीर के कुछ हिस्सों को ही अफेक्ट करता है. सो अगर आपको autoimmune disease है किसी भी प्रकार की, rheumatic मान के चलिए या दूसरी, तो क्या आपका रिस्क COVID-19 कोरोना वायरस की इन्फेक्शन से बढ़ जाता है? जिनको भी ऐसी कोई भी rheumatic disease या autoimmune disease है, जी हाँ, उनका COVID-19 का रिस्क बढ़ जाएगा. दे हैव अ ग्रेटर रिस्क ऑफ डेवलपिंग इन्फेक्शन एंड मोर सिवियर इन्फेक्शन. जी हाँ, दिस इज अ वेरी डेंजरस थिंग. ऑल्दो इसको हम इसकी ऑल्दो इसके बारे में अभी तक कोई मेजर प्रूफ वाइज स्टडी नहीं है, लेकिन दे डू हैव अ रिस्क. नाउ रिस्क की बात हो रही है यहाँ पर, कितने परसेंट रिस्क है ये नहीं बोल सकते, आपको समझना क्या है इसमें. नाउ ये क्यों है? एक तो बीमारी आपकी ऐसी है जिसमें आपको सीरियस इम्यूनो सप्रेसेंट मेडिसिंस ले रहे हैं, तो आपकी वल्नरेबिलिटी बीमारियों से, इन्फेक्शन से ऑलरेडी बढ़ी हुई है, तो ऑब्वियसली कोरोना से भी बढ़ेगी. दूसरा, अगर आप वैस्कुलाइटिस या किसी प्रकार का स्क्लेरोडर्मा, रूमेटॉइड, इन सब autoimmune डिजीज से इन्फेक्टेड हो, प्लस आपकी उम्र ज़्यादा है भैया, 60-65 के ऊपर, प्लस कोई और क्रोनिक डिजीज़ भी है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, किडनी प्रॉब्लम, तो फिर रिस्क और तीन गुना आपको बढ़ जाएगा. सो क्या कर सकते हैं, व्हाट शुड यू डू इफ यू फील सिक? अगर आप बीमार फील कर रहे हो, किसी प्रकार का फीवर है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, कफ है, पर्टिकुलरली अगर आप ट्रैवल कर चुके हो ऐसी जगह पे जहां पर इन्फेक्शन फैला हुआ है, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डॉक्टर से बात करें. अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे हैं तो 1075 पे कॉल करें, इन्फॉर्म करें अपनी बीमारी के बारे में, या लोकल हॉस्पिटल डॉक्टर के पास आप जाके दिखा सकते हैं. लोकल डॉक्टर्स का ओपीडी अगर बंद है तो हॉस्पिटल के इमरजेंसीज में जाके दिखा सकते हैं, अगर सीरियस प्रॉब्लम लग रही है. कम्युनिकेशन इज वेरी एसेंशियल, पर्टिकुलरली ओल्डर पेशेंट्स के लिए, क्योंकि अगर सही टाइम पे बीमारी के लिए सपोर्टिव केयर या ट्रीटमेंट इनिशिएट कर दिया जाए, तो फिर आपके बचने के चांस और बढ़ जाते हैं. ऑल्दो इसमें डेथ रेट जैसा हमने बताया है नॉर्मल इंसान से थोड़ा हाई है, लेकिन ऐसा नहीं कि 50% है, 10% के आसपास डेथ रेट है, तो 10% रिस्क अच्छा खासा हो जाता है 1-3% से. सो 1-3% से 5-6 गुना बढ़ जाने वाला रिस्क आपको है. सो इसलिए यू नीड टू टेक स्पेशल प्रिकॉशंस. दूसरा बड़ा सवाल ऐसे लोगों के मन में आता है, क्या मैं अपनी दवाइयाँ बंद कर दूँ? मेरे स्टीरॉइड्स चल रहे हैं, मेरा इम्यूनो सप्रेसिव मेडिसिंस चल रही हैं, ऐसी दवाइयाँ चल रही हैं जिससे इम्यून सिस्टम करा कम होता है, तो क्या मैं ऐसी दवाई बंद कर दूँ? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. अगर आपको कोई सिम्टम नहीं है, तो ये डिसीजन कि आपकी इम्यून सप्रेसिंग दवाएं कम करनी है या बंद करनी है, आप नहीं लेंगे. अगर आप लेते हैं तो एक तरफ आपकी ऑटो इम्यून डिजीज़ दिक्कत करने लगेगी, दूसरी तरफ आपको और ज़्यादा एक्सेस में दवाइयाँ लगेंगी फिर उसको कंट्रोल करने में, तीसरी तरफ ये सारी सिचुएशन और कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, और तब इन्फेक्शन हुआ तो उसका डेथ रेट और बढ़ जाएगा. सो इसीलिए ये डिसीजन आपको अपने डॉक्टर से लेना है. आपने डॉक्टर से लेना क्या लेना है, डॉक्टर से बात करनी है कि सर ये जो बीमारी चल रही है अभी मुझे सिम्टम्स कम है, मेरा दिल दर्द दिक्कत कम है, मैं जोड़ हिला पा रहा हूँ, या कोई और, क्या मैं दवाई कम कर सकता हूँ, क्या ऐसे कोई और तरीका है जिससे दवाई थोड़ी कम करके अब मैं 1-2 महीने 6 महीने चला लूं, क्योंकि रूमेटिक डिजीज़ या कोई भी क्रोनिक डिजीज़ की, क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ की दवाइयां लंबी चलती हैं, याद रखिए. सो इसीलिए ये डिसीजन आपके रूमेटोलॉजिस्ट, आपके फिजिशियन लेंगे कि हाँ आपके केस में ये सेफ है या नहीं, वरना दोनों तरफ से आपको एक तरफ कुआ एक तरफ खाई वाला हिसाब है. सो याद रखिए, आज के डेट में एक और इशू आ रहा है ऐसे पेशेंट्स को ऑटोइम्यून डिजीज़ में, बहुत कॉमनली दी जा रही दवाई हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन. जी हाँ, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एक तरफ वायरल इन्फेक्शन से बचाती है, जी हाँ बचाती है, लेकिन ये गारंटीड नहीं है, ये गारंटीड चीज़ नहीं है, ये चांस फैक्टर है, इस पर अभी कोई
प्रूफ वाला रिसर्च नहीं हुआ है. सो आप अपने आप को सेफ मत समझें कि हाँ मैंने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन लेता हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होनी, वायरस मेरे अंदर डेवलप नहीं हो सकता या रिस्क नहीं है. रिस्क है. ऊपर से एक और रिस्क है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हो सकता है आपको मार्केट में ना मिले, क्लोरोक्विन ना मिले, शॉर्टेज हो जाए और एक तरफ ना सिर्फ उसका जो इफेक्ट था वो कम हो जाए, दूसरे तरफ आपकी बीमारी भी बढ़नी शुरू हो जाए. तो ये रिस्क ऑलरेडी है. सो आपके लोकल फार्मासिस्ट से बात करके रखिए कि ये दवाई अरेंज करें, अपने अपने लिए अरेंज करके रखें. फिर बात आती है कि अगर ये सब है तो फिर हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें. जी हाँ, ये मैंने बता दिया, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन थोड़ा प्रोटेक्शन देगी लेकिन दैट इज़ नॉट अ गारंटी इन एनीबडी, राइट. जी हाँ, एक रिकमेंडेशन है कि जी हाँ अभी फिलहाल कोई प्रूफ नहीं है तो ये एक दवा है जो आप ले सकते हैं. सो यस, ये डॉक्टर्स भी ले रहे हैं, मैंने खुद ली है और आप भी ले सकते हैं. अगर आपको आप ले सकते हैं अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप नर्स हैं जो कोविड 19 पेशेंट्स को हैंडल कर रहे हैं, वरना मत लीजिएगा. याद रखिए इसके भी रिस्क है, हमने ऑलरेडी बता रखे हैं. क्यूटी प्रोलोंगेशन से कई बार हार्ट के रिदम प्रॉब्लम आ सकती है, अगर सही टाइम पे पकड़ा ना जाए तो जान भी जा सकती है. ऐसे एग्जांपल्स भी देखने को मिल रहे हैं, तो इसीलिए जनहित में जारी दवा नहीं है ये, प्लीज अंडरस्टैंड. ऑलराइट, उसके बाद अवॉइड क्लोज. आपको करना क्या है, आपको बीमारी है या आप बीमारी से बचना चाहते हो, आपको ऑटो इम्यून डिजीज है तो ऑब्वियस सी बात है आपको कोई भी बीमार पेशेंट के पास नहीं जाना है. आपको अपने ऑटो इम्यून डिजीज को लेके एक कुकून में रहना है, बढ़िया से अपने घर में रहना है, घर से बाहर नहीं निकलना, आंख नाक मुंह को टच नहीं करना है. बिना हाथ धोए, हाथ धोना बहुत जरूरी है, हाथ अच्छे से धोना है, ना सिर्फ आगे से पीछे से भी, साइड से भी, अंगूठे को भी और नेल्स को भी अच्छे से हाथ धोना है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. हाथ धोने की पद्धति यानी कि तरीका आप यूट्यूब पे, इंटरनेट पे देख सकते हैं. वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर एटलीस्ट फॉर 20 सेकेंड, 20 सेकेंड कम से कम अल्कोहल सैनिटाइजर यूज़ करें अगर सोप वाटर नहीं है तो. और भाई साहब प्लीज़ अपने घर को डिसइंफेक्ट करते रहें, स्प्रे बना लें, अल्कोहल स्प्रे या फिर ब्लीच वाला स्प्रे बनाने के लिए डिसइंफेक्शन वाले वीडियोज़ में हमने समझाया हुआ है. और एक हेल्दी इंडिविजुअल, जो आप अगर हेल्दी हैं ऑलरेडी, आपको किसी प्रकार की बीमारी नहीं है, आप कम घर में अकेले हैं तो आपको मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है. आपने बस अपने घर के एनवायरनमेंट को या आपने मुंह को हाथ नहीं लगाएंगे तो आप काफ़ी हैं. घर में मास्क हम भी नहीं पहन रहे, आप भी मत पहनो. बाहर ज़रूर मास्क पहनना, हॉस्पिटल में ज़रूर मास्क पहनना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हॉस्पिटल में कुछ नहीं पता कब कहां से कोई पेशेंट आ जाए छींकते खांसते, इस तरीके की सिचुएशन में. और भाई साहब ट्रैवल तो करना ही नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट. इस सिचुएशन में आपको घर में ही रहना है और अपने डॉक्टर से डिस्कस करना है कि अगर आपको बीमारी होती है तो फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए. और जी हाँ, घरेलू इलाज या घरेलू ट्रीटमेंट्स, आप जैसे भाप लेना, जैसे हल्दी वाला दूध लेना, हल्दी लेना घर के अंदर, जो भी चीज़ें हैं ये सब कर सकते हैं. बट ये किसी भी चीज़ का 100% गारंटीड प्रिवेंशन नहीं है, ना ही इलाज है. इससे मदद मिलती है, गले को सूदिंग मिलती है. अगर आपको गले में इन्फेक्शन है, गले में खराश है तो गले में भाप लेना, गर्म पानी की गरारे करने से सूदिंग मिलती है ताकि आप बोल पाएँ, काम कर पाएँ, जब तक ये अपने आप डिजीज़ हफ्ते भर के अंदर चले जाए. जी हाँ, अगर कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो भी गया तो ज़रूरी नहीं है कि आप मर ही जाओगे, आपको सीरियस प्रॉब्लम होगा. प्रॉब्लम हो सकती है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, बदन में दर्द हो सकता है, आंखें दुख सकती हैं, गले में खराश हो सकती है, ड्राई कफ आ सकता है, बुखार हो सकता है, सांस फूल सकता है. ऐसी सारी सिम्टम्स को आपने मॉनिटर करना है, रोज अपना बुखार, अपना फीवर, अपनी दिल की धड़कन, अपना ब्लड प्रेशर, इसको नापना है, इसको एक पेपर पे लिखते जाना है, सुबह इतना, शाम को इतना, सुबह इतना, शाम को इतना, सुबह इतना, शाम को इतना. और इसको अपने डॉक्टर से शेयर करना है 2 दिन बाद कि भाई डॉक्टर साहब ये देखिए बीमारी मेरी बढ़ रही है, मैं क्या करूं. तो ऐसे कुछ हो रहा है कि बीमारी बढ़ती जा रही है, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, तो 5 दिन के बाद आपका टेस्ट होता है. याद रखिए day 1 पे टेस्ट करना इतना अच्छा नहीं होता, मैंने ऑलरेडी बताया क्यों. क्योंकि वायरस हो सकता है डिटेक्टेबल ना हो फर्स्ट डे पे लेकिन फिर भी इन्फेक्शन हो, तो 5th-5th day पे टेस्ट होता है. और अगेन, हर पेशेंट को HIV की मेडिसिन नहीं दी जाती, हर एक को खतरनाक मेडिसिन नहीं दी जाती, याद रखिए. वो सिर्फ एक एक्स्ट्रा मेडिसिन हैं जो अप्रूव की हैं अगर कोई पेशेंट नहीं बच पा रहा है नॉर्मल इलाज से. नॉर्मल इलाज हॉस्पिटल में होता है, सपोर्टिव केयर होता है, आपके लंग्स को वेंटिलेट करने का केयर होता है जो वेंटिलेटर पे डाल के होता है. और अगर वहाँ नहीं पहुँचने की ज़रूरत पड़ रही है तो फ्लूइड रिससिटेशन, डिहाइड्रेशन को करेक्शन और बाकी सारे सिंपल ट्रीटमेंट्स हैं जो ऑलरेडी हॉस्पिटल्स में किए जा रहे हैं. तो कृपया प्लीज़ गलत धारणाओं से बचें. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हर एक पेशेंट को HIV की मेडिसिन या हर एक को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दिया जा रहा है, राइट. सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, गो टॉक टू योर डॉक्टर, अपने डॉक्टर से बात करें, उल्टे सीधे लोगों की वीडियो ना देखें और अपने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर की वेबसाइट पर रेगुलर जाके अपडेट लेते रहें कि इस बीमारी के बारे में क्या हो रहा है. न्यूज चैनल ज्यादा ना देखें, सिर्फ और सिर्फ न्यूज की हाईलाइट देखें या फिर जब भी कभी गवर्नमेंट से कोई भी लाइव नोटिफिकेशन आ रहा है, लाइव इंटरव्यू, लाइव
कोई ब्रॉडकास्ट आ रहा है, चाहे प्रधानमंत्री जी का हो, चाहे आपके लोकल गवर्नमेंट का हो, लोकल सीएम का हो, उनका ज़रूर देखें। रिलैक्स करें, अपने आप को शांत रखें, जितना खुश रहेंगे उतना आपकी बचने के, बल्कि इससे हेल्दी रहने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अगर आपको पसंद आया है तो शेयर करना है सारे लोगों को। थैंक यू सो मच। दिस इज़ डॉक्टर परमजीत, आई एम अ कंसल्टेंट फिजिशियन एंड कार्डियोलॉजिस्ट इन यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेहरू नगर दिल्ली एनसीआर। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।